मेथड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मेथड्स, और मेथड्स क्या है? हाँ मेथड मीन स्टेप्स टू प्रोसेस और हाँ सर, मैं ये कह रहा था आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मेथड्स, व्हाट आर मेथड्स? तरीके। मेथड्स किसको बोलेंगे हम? वो वहां से स्टार्ट करते हो, किसका मेथड वो अलग है, उसके बाद आएगा किसका मेथड, बट मेथड क्या है वो? व्हाट डू यू मीन बाय मेथड्स? सर वे टू चलो, डू, व्हाट डू यू मीन बाय इनबिल्ट फंक्शन? इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है? सर जो फंक्शन ऑलरेडी ऑलरेडी डिफाइंड हो, हाँ, फिर अभी मेथड्स क्या है बताइए फिर, सर जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, राइट? बट फिर उसको इनबिल्ट फंक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, फिर मेथड्स क्यों बोलते हैं? सर वो पूरा प्रोसीजर ये है, प्रोसेस पता है फिर? है पूरा, वो हाँ प्रोसेस ऐसा कुछ होगा कि प्रोसेस है वो मेथड, और ओके, समझ वो फंक्शन है गया। सर, वो कुछ छोटे मोटे काम ओके कराने के लिए है, मतलब लंबे काम कराने के लिए कुछ ऐसा कुछ होगा। नो, इतना रैंडम भी नहीं है। ओके, सो क्या एक्सप्लेन किया था? द इनबिल्ट मेथड्स विच आर एप्लीकेबल ऑन डेटा टाइप्स, दोज आर कॉल्ड मेथड्स, राइट? इनबिल्ट फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, बट मेथड इंडिपेंडेंटली वर्क होता है क्या? नहीं, राइट? आपको कोई डेटा टाइप पास करना पड़ता है उसको, राइट? स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करते हो आप, स्ट्रिंग डॉट आर स्ट्रिप, राइट? बट लेंथ के टाइम पे लेंथ डायरेक्ट लिखते हो, प्रिंट के टाइम पे डायरेक्ट प्रिंट। सो दैट्स व्हाई दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस, और इसको मेथड, क्योंकि ये डेटा टाइप के ऊपर डिफाइन होता है। फिर इसके तो अलग अलग डेटा टाइप है, अलग अलग मेथड्स, डिफरेंट डेटा टाइप है, डिफरेंट मेथड्स, मतलब वेगवेगे मेथड्स है वेगवेगे डेटा टाइप्स अनुसार। जैसे स्ट्रिंग रिलेटेड स्प्लिट झालं, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, स्ट्रिप जे काय असतील ते, राइट? दोज आर ओनली रिलेटेड विथ स्ट्रिंग। फिर लिस्ट के साथ मीन, मैक्स, सम, सॉर्टेड, राइट, अपेंड, एक्सटेंड, क्लियर? ये क्या है? लिस्ट से रिलेटेड है ना? समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है क्या नहीं है? बाय द वे, मेथड क्या है, इनबिल्ट फंक्शन क्या है? आप लोग नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, हाउ इज इट? ओके, सो यस्टरडे वी देन मेथड्स देखे। बाय द वे, हैज एनीवन एक्सप्लोर्ड एनी न्यू मेथड्स व्हिच दे आर एक्साइटेड, इंटरेस्टेड टू टेल, समथिंग लाइक दैट? यस, नो, कि किसी ने खोल के ही नहीं देखा डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन खोल के तो देखा है कि नहीं? तो देखा है, ओके, गुड। व्हाट अबाउट ऑफलाइन? ऑफलाइन वाले यस नो? ओके, नो रिस्पॉन्स, म्हणजे सगळ्यांनी बघितलंय। ओके, गुड। और सबको पाता है फिर, म्हणजे सगळ्यांना येतं आहे का? ऑलरेडी बघायची गरज नाही, दॅट्स व्हाय नो रिस्पॉन्स है ना? क्या बता रहे हैं इतना बेसिक? कैपिटलाइज अपर फंक्शन तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना? सो व्हाट इज द बिग डील इन मेकिंग स्ट्रिंग एज अपर लोअर? ओके, एनीवेज, इट्स अप टू यू। आप लोग प्रैक्टिस, यू विल फील कंफर्टेबल इन द इंटरव्यू। नहीं करोगे तो देन यू हैव टू फेस समथिंग एल्स। इफ यू गेट रिजेक्टेड देन इट्स अ बिट डिफिकल्ट। रिजेक्शन इज व्हेरी हार्ड टू डायजेस्ट, है ना? जोपर्यंत अपॉर्च्युनिटी मिळत नाही तोपर्यंत ओके, आय डोंट गॉट अपॉर्च्युनिटी। ज्या दिवशी मिळते आणि रिजेक्ट होते त्या दिवशी रिअलाइज होते की अरे काय उपयोग नाही मग अपॉर्च्युनिटी मिळून पण, राइट? मतलब अपॉर्च्युनिटी जब तक नहीं मिलता तब तक एक खुशी रहता है कि यार चलो मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। बट जिस दिन अपॉर्च्युनिटी मिलता है और उस दिन जब रिजेक्ट हो जाते तब रियलाइज होता है कि अपॉर्चुनिटी
से और मेरा सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस डिपेंड करता है और प्रैक्टिस मैटर करता है, ना कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं है मैटर करता है। क्लियर कर लो ना, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन करते का, ऑनलाइन ऑफलाइन, यस नो? अपॉर्चुनिटी डजेंट, अपॉर्चुनिटी विल नॉट डिसाइड वेदर यू विल गेट प्लेस्ड और नॉट, योर प्रिपरेशन विल डिसाइड वेदर यू विल गेट प्लेस्ड और नॉट, राइट? चलो, सो विद दिस देन वी कवर्ड, आफ्टर द मेथड्स एंड ऑल वी कवर्ड अ लॉजिकल लॉजिकल स्टेटमेंट, जैसे लिस्ट के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए, प्लस राइट एडिशन स्टार मैंने आणि बाकीचे। बाय द वे, हैज एनीवन ट्राइड माइनस डिवाइड? कुछ ट्राई किया है? लिस्ट के ऊपर माइनस, दो लिस्ट माइनस करके किसी ने देखा है क्या? सो व्हाट इज द एरर देन, टेल मी व्हाट इज द एरर। सर, जो सिंटैक्स, जो सर स्ट्रिंग में एरर आता है, सिंटैक्स एरर, ओके, ऑपरेटर एरर भी हो सकता है ऑपरेटर सर। मैंने क्या बोला? एग्जैक्ट आपने ट्राई किया है तो एग्जैक्ट एरर बताइए। यू नीड टू अटेंटिव, प्रैक्टिस करना है ना। सो वी डिड प्लस और माइनस, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है माइनस करके क्या होता है देखने का, राइट? यस नो? डिवाइड करके क्या होता है वो देखना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ओके, यस नो? कुछ तो हाँ सांगा मोठ्यान। यस अभी सिंह सुनिए, क्या इरर आता है? अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स, हाँ इरर आता है अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप, ऐसा रैंडमली कुछ भी इरर नहीं आता है ना। सिंटैक्स वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि दैट इज नॉट अ सिंटैक्स इरर। सिंटैक्स इरर कब आएगा? जब प्रिंट की जगह पीएनटी वगैरह, व्हाट एवर यू आर मेकिंग सिंटैक्स रिलेटेड मिस्टेक, एज इन कोलन की जगह एक कोलन मिस कर दिया, सो दैट बिकम्स अ सिंटैक्स। ओके 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 गुड। सो द नेक्स्ट, सर, आपकी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है सर। अभी शेयर नहीं किया है मैंने, सो जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू शेयर इन फ्यू मिनट्स, ओपनिंग द एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे स्टोर किया था। और लास्ट में हमने कुछ पढ़ा था, मतलब मैथमेटिकल फिर लॉजिकल एंड देन उसके बाद वी डिड समथिंग रिलेटेड विद द, आखिरी में क्या पढ़ा था? एनी आइडिया? सर आपने लूप पढ़ाया था लास्ट में, मेंबरशिप राइट? मेंबरशिप ऑपरेटर, हाँ, इन इन एंड आउट, इन एंड आउट, नॉट हाँ। तो किसी ने ट्राई किया इन नॉट इन, क्या है क्या नहीं है? हैज एनीबॉडी ट्राइड? बाय द वे, एक लॉजिक भी लिखने के लिए बोला था आपको, मतलब ये लूप। जस्ट अ सेकेंड, शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। अभी हैज एनीबडी एक्सप्लोर्ड कि कैसे लिखा है ये? ये प्रोग्राम आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला था, राइट? जहाँ पे आई एम रिमूविंग द डुप्लीकेट, लिस्ट वगैरह कुछ नहीं यूज किया, बट आई एम रिमूविंग दैट। यस सर, हाँ, सो होप इट दिस लॉजिक इज क्लियर नाउ, क्योंकि इसी लॉजिक पे हम आगे बहुत काम करने वाले हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट लॉजिक है ना। सो लेट अस सी देन, देन वी हैव अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, हम मतलब जो भी आपने फंक्शन पढ़े होंगे, लिस्ट पढ़ा होगा, लेट अस सी दैट। विद दैट आई हैव फ्रूट्स, फ्रूट्स का एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें फ्रूट्स है अलग अलग, एप्पल बनाना मैंगो, राइट? सो ये मुझे प्रिंट करना है, मतलब ये जो इलेमेंट्स है इस लिस्ट में, इसे मुझे प्रिंट करना है।
तो व्हाट आई कैन डू इज फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स और प्रिंट फ्रूट, मतलब फ्रूट नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल लिया और ये टेम्पररी वेरिएबल में मैं एप्पल फिर बनाना फिर मैंगो ये स्टोर करते गया और हर एक बार ये लाइन रन करता रहा क्योंकि फॉर लूप में है, राइट। कोलन के बाद नीचे आएगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, एप्पल के लिए ये कोड रन होगा, फिर मैं बनाना के लिए, फिर मैंगो के लिए, फिर चेरी के लिए और फिर मस्कमेलन के लिए। एप्पल के लिए क्या होगा, प्रिंट प्रिंट एप्पल, फिर बनाने के लिए प्रिंट बनाना, मैंगो के लिए मैंगो, राइट। सो दिस इज हाउ यू टू प्रिंट ऑल द लिस्ट, ये सब कुछ हम प्रिंट करते थे। सो देयर इज वन मोर मेथड और देयर इज वन मोर वे आई कैन यूज और आई कैन रिड्यूस दिस एंटायर लाइन ऑफ कोड, जहां पे मैंने चार और तीन लाइंस लिखे दैट आई कैन रिड्यूस। कैसे, सेम फॉर लूप आई कैन यूज विद मेंबरशिप ऑपरेटर। ये देखिए सेम लिखना है, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स ऐसे ही लिखता था, राइट, यहाँ पे मैंने फॉर लूप की जगह। और जो नीचे का इंडेंटेशन है, इंडेंट के बाद जो भी आएगा उसको मैं आई विल राइट इट इन अ सेपरेट एक वेरिएबल में नाम कॉल्ड फ्रूट। सो दिस इज माई रेगुलर लॉजिक, दिस इज माई रेगुलर लॉजिक एंड दिस इज वन सेपरेट वेरिएबल। I can complete this entire thing in a one line and I can print that. Okay, so this is the application list fruit for fruit in fruits. For fruit in fruit is nothing but a temporary variable जो iterate कर रहा है यहाँ पे, है ना, हर एक variable को लेके iterate करेगा वो and then I get a expected output. Let's print this. By the way, इधर क्या है? Quickly. Not defined. इसका मतलब क्या है? बताइए. Fail running. Name गलत pass कर रहा है. हाँ, fruits नाम का variable define किया. So let's define then here. ये देखिए, अभी आ गया output. Same out. As in, I'm printing this list in the one line. Maybe इससे ये जाएंगे, लेट अस सी यहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर फ्रूट इन फ्रूट और मुझे ये सारे कैपिटल में चाहिए, लिस्ट में जो इंफॉर्मेशन है आई नीड दैट इंफॉर्मेशन इन द कैपिटल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिक फॉर लूप लिख सकता हूँ। कैसे लिखना है फॉर लूप, सेम यहाँ पे, फॉर फ्रूट इन फ्रूट प्रिंट फ्रूट डॉट अपर। राहुल कनेक्ट नहीं, तो मुझे मान लीजिए एक कंडीशन और एक रिक्वायरमेंट है जहां पे मुझे अब सारे कैपिटल लेटर्स में चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी इन कैपिटल लेटर। ओके, ऐसा मुझे मेरा रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट आई कैन डू उस केस में, हाँ, सो फ्रूट डॉट अपर नाम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, राइट। मैं देखिए यहाँ पे फ्रूट डॉट अपर, सो आई कैन प्रिंट, ये देखिए सारे अपर लेटर्स आ गए। बट ये लिखने के लिए आई यूज्ड अ कन्वेंशनल फॉर लूप, मतलब मल्टीपल फॉर लूप्स ओपन लाइन ऑफ कोड और मल्टीपल लाइन ऑफ कोड में लिख रहा हूँ। सो दिस लॉजिक आई कैन कन्वर्ट इट इंटू वन सिंगल लाइन। तो उसको कैसे करना है, सो दिस कैन बी डन यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है कि वन सिंगल लाइन में आप पूरा लिस्ट को आउटपुट करते हो और पूरा लिस्ट प्रोसेस करते हो। सिमिलरली जैसे हमने लैम्बडा फंक्शन सीखा था, राइट, एक्चुअल फंक्शन है बट उसको हमने कॉम्प्रेस किया विद इन वन लाइन। सिमिलरली लिस्ट पे जो भी ऑपरेशन करोगे यू कैन कॉम्प्रेस दैट ऑपरेशन इन टू वन लाइन, मतलब मल्टीपल लाइन ऑफ लॉजिक भी रहा तो आप एक लाइन में उस पूरे लॉजिक को लिख सकते हो। दैट इज नथिंग बट अ कॉम्प्रिहेंशन। सो वो कॉम्प्रिहेंशन हम आज देखने वाले हैं एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए, आपको फॉर लूप लिखना है एक्चुअल, जैसे आप फॉर लूप लिखते थे, फॉर
फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ये तो मेरा सिंपल फॉर लूप ऐसे ही लिखता था, राइट। और उसके आगे मुझे फिर ऑपरेशंस लिखना है। अभी ये फ्रूट क्या है मेरा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट अ टेम्पररी वेरिएबल। लेट्स टेक एक्स, एक्स इज नथिंग बट अ, और टेम्प इज नथिंग बट अ टेम्पररी वेरिएबल, राइट। और ये टेम्पररी वेरिएबल को फिर मैं आगे यहाँ पे ऑपरेशन करता हूँ, टेम्पररी वेरिएबल डॉट अपर, और ये इसका जो भी आउटपुट आएगा टेम्पररी वेरिएबल डॉट अपर, इसको एक लिस्ट में स्टोर करता हूँ। तो इसलिए मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया यहाँ पे, दिख रहा है। बाय द वे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, जो हाईलाइट हुआ है वो लिस्ट को कन्वर्ट करता है, मतलब इसके अंदर जो भी ये लॉजिक लिखा है उस लॉजिक का आउटपुट लिस्ट में कन्वर्ट करके देता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ लिस्ट। अंदर क्या लॉजिक है वो देखिए। अभी अंदर लॉजिक ये है, दे टेम्पररी वेरिएबल के ऊपर आई एम डूइंग सम ऑपरेशंस, मतलब आपको ऑपरेशंस लिखना है, फिर इटरेशन और लूप लिखना है, राइट। दिस इज नथिंग बट ऑपरेशन, और आप यहाँ पे कंप्यूटेशन बोल सकते हो यहाँ पे, और आपका लॉजिक लिख सकते हो कंप्यूटेशन, और इसके बाद लूप लिख सकते हो, और लूप। सर एक क्वेश्चन था आपसे। सर आप जो ये दूसरा मेथड बता रहे हैं, जैसे स्क्वायर आपने जो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो ये जरूरी है सर ये लर्न करना मेथड, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि पुराना मेथड भी हमने सीखा हुआ है, तो हाँ इसे लर्न करना सर कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री पूरा सीखना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यूज करते हो, सो इट इंडिकेट्स यू हैव अ एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल, राइट। मतलब आप रेगुलर फंक्शन यूज करोगे, रेगुलर लूप यूज करोगे, तो आप अब बिगिनर समझे जाते हो। जब भी आप फंक्शन में लैम्डा फंक्शन यूज करोगे और लिस्ट के टाइम पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करोगे, ऐसे ही डिक्शनरी का भी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करोगे, तो इट इंडिकेट्स यू हैव अ सर्टन स्किल और सर्टन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग का, तो आप बिगिनर नहीं हो, इससे ये पता चलता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड लर्न। और इसका और एक एक्चुअली एडवांटेज ये है कि जब भी आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हो, कंप्यूटर सेव्स लॉट ऑफ मेमोरी, कंप्यूटेशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि एक लाइन में पूरा कोड है। आपका कंप्यूटर मल्टीपल लाइन रीड करने के लिए ज्यादा टाइम लेता है, और इट टेक्स लॉट ऑफ मेमोरी, लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, बट एक लाइन ऑफ कोड में आपने पूरा लॉजिक लिखा है तो वो इफिशियंट हो जाता है। सो आपको कोई प्रोग्राम, आपको मेमोरी इफिशियंट बनाना है, दैट टाइम यू शुड यूज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड लैम्बडा फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन यूज करना, रेगुलर लूप्स यूज करना, दैट इज अ बिट ऑफ इनइफिशियंट। ओके, तो इसीलिए आपका एक मैच्योरिटी लेवल दिखाने के लिए एंड इफिशियंट वे में कोड करने के लिए यू शुड यूज ऑल दिस फंक्शंस। नॉट ओनली दिस, इसके बाद हम हायर ऑर्डर फंक्शन सीखेंगे, दोज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मैच्योरिटी ऑफ और दिस अंडरस्टैंडिंग। आप लैम्बडा फंक्शन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन और हायर ऑर्डर फंक्शंस जब लिखना सीखोगे, तो आपको यू विल बी कंसिडर्ड एज एडवांस यूजर ऑफ पाइथन, और मतलब बिगिनर ऐसा टाइटल नहीं लगेगा आपके ऊपर, आपको एक्सपीरियंस है ये इस बात का पता चलेगा, क्योंकि कंपनी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल यूज दिस, दे डोंट राइट सिंगल लूप वगैरह कोई नहीं लिखता। ओके, आपको प्रूव करना है, आप एक्सपीरियंस हो, तो दीज आर द वेज। आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रहे हो, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, लैम्बडा फंक्शन यूज कर रहे हो, हायर ऑर्डर फंक्शंस यूज कर रहे हो, दिस इंडिकेट्स यू हैव अ एक्सपीरियंस। ओके, क्लियर। एंड दिस इज अ मेमोरी इफिशियंट है, मेमोरी इफिशियंट कोड करना है तो दिस यू नीड टू यूज इट। ओके, बाय द वे कैसे लिखना है वो सीखिए। पहले हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग अ लूप और इटरेशन, और नॉर्मल रेगुलर वे में क्या करते हैं, हम पहले लूप वगैरह रन करते हैं, फिर उसके ऊपर कंप्यूटेशन करते हैं, राइट। सो दिस बिकम्स अ नॉर्मल मेथड।
और यहाँ पे भी कोई भी ऑपरेशन डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको, यू कैन राइट एनी लॉजिक यहाँ पे, स्प्लिट का लॉजिक लिखिए, अपर का लिखिए, लोअर लिखिए, जो भी आपने अभी तक सीखा है, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, राइट, जो भी आपने सीखा है मेथड्स, जो भी सीखे हैं स्ट्रिंग के, दोज यू कैन यूज इट हियर. क्लियर? सो लेट्स मूव फर्दर. ओके, ये कोड देखिए, हमने बाय द वे ऑड एंड इवन का प्रोग्राम हम कितने दिन से कर रहे हैं अभी, उसका ये और एक वर्जन देखेंगे अभी. डे वन पे आपने स्टैटिक कोड किया था, मतलब एक नंबर लिया, वो ऑड है या इवन है ये चेक किया. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, यूजर से हमने नंबर लिया, इनपुट आउटपुट, फिर उसके ऊपर हमने लॉजिक लगाया फॉर लूप वगैरह यूज करके, और हमने चेक किया. थर्ड मेथड, रेंज यूज करके, स्टार्ट एंड एंड स्टेप, ये यूज करके हमने ऑड एंड इवन प्रिंट किया, राइट, इंडेक्सेशन स्लाइसिंग वगैरह यूज करके. नाउ वी विल लर्न, और उसके बाद वन मोर थिंग, उसके बाद हमने फंक्शन यूज करके ऑड एंड इवन चेक किया, इज माई नंबर ऑड, इज माई नंबर इवन, ऐसे फंक्शन लिखा, और उस फंक्शन को हम कॉल करते थे अलग अलग नंबर से, राइट. क्लियर? अभी वी लर्न द फिफ्थ वे ऑफ डूइंग द ऑड इवन. फर्स्ट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ रेंज, दिस इज रेंज 12873, सम रैंडम नंबर्स. बाय द वे, रेंज के बारे में क्या रहता है, स्टार्ट, कंटिन्यू, आगे क्या रहता है इधर. स्किप. ओके, स्टार्ट एंड स्टेप इतना ही रहता है, यस सर, आर यू श्योर? यस सर, और यहाँ पे 87 प्रिंट होगा फिर. नो सर, स्टार्ट एंड और स्टेप स्किप होता है, 87 क्यों प्रिंट होगा, यहाँ पे प्लस वन हाँ, कर दिस दीजिए. इज माइनस वन लिखे ना, माइनस वन रहता है वो, स्किप होता है ना, 87 इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन. यस सर, अभी तक 87 विल नॉट बी कंसिडर्ड, किसी भी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं होगा, किसी प्रिंट भी नहीं होगा वो. आप स्टेप मत दे दो, स्टेप इज ऑप्शनल, राइट, तब भी 87 प्रिंट नहीं होगा. बाय द वे करके देखिए यार, अभी तक नहीं पता है तो आपको. बाय द वे, एंड नंबर स्किप होता है हर बार, ना कि स्टेप, एंड वाला नंबर, एंड माइनस वन. क्लियर? सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 12, एंडिंग एट 86 विथ स्टेप ऑफ 3, और उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. दिस इज नथिंग बट अ इनबिल्ट फंक्शन, लिस्ट, और उस लिस्ट को नंबर्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, है ना. सो दिस इज नथिंग बट नंबर्स. क्लियर आ रहा है ना समझ में सबको? देन नेक्स्ट बिकम्स इवंस एंड ऑड्स. ये देखिए, इवंस नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, इज इक्वल टू लिखा, ऑड्स का भी एक नाम लिया और इज इक्वल टू लिखा, और फिर मैंने लिस्ट, आई टुक अ लिस्ट. लिस्ट कैसे लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, आई इंसर्टेड टू स्क्वायर ब्रैकेट. अभी इसका अंदर का लॉजिक देखिए, फॉर नंबर इन नंबर्स, ये मेरा लूप है, राइट, फॉर नंबर्स इन नंबर्स. फिर उसके बाद आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड इफ नंबर परसेंट टू इज इक्वल टू, इज मतलब डबल इक्वल टू कंपेयरिंग विद द जीरो, कंपेयरिंग विद द वन, और पॉसिबल है, लेट्स टेक दिस बिकम्स अ लूप एंड दिस बिकम्स मेरा कंडीशन, एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई होते ही मुझे आउटपुट दे दो, नहीं तो मुझे आउटपुट मत दो. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, और ऐसे ही लिखते हैं, एज इन यू स्टार्ट विद द, आप लूप से स्टार्ट कर दीजिए. ओके, आप लूप और कुछ भी कंडीशन नहीं है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे बनता है, कंप्यूटेशन एंड देन लूप, इतना एक वेरिएशन है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का. नहीं, आपको कंप्यूटेशन, आपके पास कुछ कंडीशन वगैरह है, मतलब इफ आप कुछ लॉजिक लिख रहे हो, इफ रिलेटेड और व्हाइल रिलेटेड वगैरह. सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आपका आएगा सिर्फ वेरिएबल और लूप एंड देन कंडीशन. सो दिस इज नथिंग बट
दिस इज हाउ यू राइट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये दो वेरिएशन में यू राइट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटेशन लूप नहीं तो वेरिएबल लूप एंड कंप्यूटेशन, और कंडीशन यू कैन राइट, और कंडीशन पे आप जो भी लॉजिक आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ जो भी नंबर है, पहले तो टेम्पररी वेरिएबल क्या है इसमें बताइए मुझे, इस लाइन में नंबर 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 इज अ टेम्पररी वेरिएबल राइट, तो लेट्स ड्रॉ, यहाँ पे मैं नंबर ड्रॉ कर देता हूँ, टेम्पररी वेरिएबल ड्रॉ कर देता हूँ कॉल्ड नंबर, और इसमें क्या आएगा पहले, तो ये टेम्पररी वेरिएबल होगा, और लिस्ट बाय द वे, हाँ लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से राइट, तो इसमें आएगा 12 राइट। अभी एक बार ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसके बाद इफ में जाएगा, ये इफ नंबर में क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2 यस और नो बताइए, इज इक्वल टू 0, ये क्या है लॉजिकल ऑपरेटर है ना कंपैरिजन, तो कंपेयर 0 से होगा, ट्रू या फॉल्स, इसका आंसर ट्रू ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ये देखिए इसका 12, बाय द वे लेट्स लेट्स राइट इट हियर, 12 एम्परसेंट 2, इसका आंसर क्या आता है, चलो ये इधर से स्टार्ट करते हैं, 6 आता है ओके, फिर इसका आंसर क्या आता है, सिक्स इसका आंसर 6 आता है, तो फिर इसका आंसर क्या आता है, जीरो रिमाइंडर आता है जीरो रिमाइंडर रिमाइंडर है ना, एम्परसेंट इंडिकेट्स रिमाइंडर, ऑब्वियस है यार, डिवाइड में मुझे 6 आता है तो एम परसेंट में कुछ अलग आना चाहिए ना, अलग क्या ही आ सकता है, रिमाइंडर सिर्फ ओके। बाय द वे आप लोगों को फिर बहुत प्रैक्टिस करना है, यहां से स्टार्ट है, तो फिर दिस इज कितना है, डे 2 डे 3 था ना, एम परसेंट वगैरह राइट, डे 2 3 से स्टार्ट करना है, अब डे 11 12 13 है, बेस्ट ऑफ लक, दिस इज व्हाट आई कैन से, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अभी फिर इसको क्या बोलते हैं, डबल इक्वल टू को, व्हाट इज दिस, इक्वल इक्वल सिंगल इक्वल सिंगल मतलब सर कि ये सर वैल्यू मैच कराने के लिए अवेलेबल है या नहीं, कंपैरिजन हाँ, बाय द वे कंपैरिजन ऑपरेटर है सर। ना, कंपेयर कर रहे हैं और उसमें ये इक्वल है कि नहीं चेक कर रहा है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ओके, तो फिर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ इसका आंसर, अभी पहले तो ये स्टार्ट करते, इसका आंसर कैसे आएगा, नंबर आएगा कुछ अलग आएगा क्या सर आएगा, इसका अगर रिमाइंडर अगर 0 है तो ट्रू हो जीरो जाएगा, हाँ जीरो आए लेकिन ओके ट्रू जीरो होगा क्योंकि आएगा रिमाइंडर 0 ही आएगा। राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इतने का सिर्फ इतने सेंटेंस का आंसर क्या सर आएगा, इक्वल्स ट्रू ट्रू आएगा राइट। तो अभी लेट्स फोकस ऑन दिस, यहाँ पे देखिए ये लूप है और यहाँ पे आपने कंडीशन लिखा है, तो ये कंडीशन का आंसर क्या आ रहा है आपका, ट्रू राइट, ये ट्रू आ रहा है तो आउटपुट यहाँ पे जो है, और ये जो आ रहा है यहाँ पे दिस इज नथिंग बट रिटर्न, में क्या कर रहे हो आप, नंबर रिटर्न कर रहे हो राइट, और नंबर क्या है आपका, कहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, 12 12 से स्टार्ट हुआ था ना, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो मुझे ये नंबर रिटर्न करो ऐसे बोल रहा है ये, तो इसीलिए यू कैन सी द हियर आउटपुट, इसका आउटपुट में देख सकते हो इवन नंबर्स में 12 आ रहा है राइट। आई नो थोड़ा आपको इसीलिए बोला था कि बेसिक से स्टार्ट करो, हर रोज नए नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, यहां से आगे मतलब इट विल इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा लेवल, यहां से आगे लेवल बढ़ते ही जाएगा, सो दैट्स व्हाई इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा जाने लगेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स एज वेल, और मुझे पता है ना इसमें है क्या यार, फॉर लूप सीखा है ना हमने, सीखा है कंडीशन सीखा है इफ राइट, और ये पैरेंथेसिस सीखा है,
ये असाइनमेंट ऑपरेटर सीखा है ना, और ये वेरिएबल का नाम सीखा है, और ये क्या है टेम्पररी वेरिएबल जो यहाँ पे है, तो बस यही लिखा है मैंने, व्हाट इज नॉट टॉट इन दिस लाइन, सिर्फ अरेंज किया है, और वो अरेंजमेंट मैंने आपको बनाया बता दिया है, मतलब हाउ टू अरेंज ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आपके पास कंडीशन है, कंडीशन देन लूप, आपके पास अलग है कुछ रिक्वायरमेंट, वेरिएबल लूप एंड देन कंडीशन, राइट? दो ही कॉम्बिनेशन है, इसमें ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं है। यू कैन यूज वेदर डायरेक्ट वेरिएबल और लूप, नहीं तो वेरिएबल लूप एंड कंडीशन, विच एवर यू फील कंफर्टेबल। मतलब एक ये वेरिएशन है एंड एक ये वेरिएशन है, दो टाइप में आप लूप लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। सो दिस इज नथिंग बट वन मोर वे टू राइट अ इवन ऑड एंड इवन का प्रोग्राम। ओके, एंड आई आस्क्ड समबडी टू राइट अ ऑड इवन प्रोग्राम, रिसेंट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। सो ही रोट वेरी बेसिक, जहां पे फॉर नंबर परसेंट टू ये सब लिखा उसने, एंड ही वेंट आउटसाइड। उसने बोला सर ने तो बहुत आसान पूछा, मुझे सब कुछ आता है। दैट्स व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग नो, आपको क्वेश्चन पूछा, आपने लिखा और सही भी लिखा, ऐसा नहीं कि वो गलत था। बट डू यू थिंक इंटरव्यूअर विल आस्क यू राइट अ ऑड एंड इवन प्रोग्राम विद बेसिक लॉजिक? विल दैट मेक एनी सेंस? तो रिक्वायरमेंट क्या था उस टाइम पे, व्हाट ही वांटेड टू अंडरस्टैंड? भाई फंक्शन लिखो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखो, हायर ऑर्डर फंक्शन लिखो, शो ना आपके पास क्या है वो दिखाइए ना। बेसिक मुझे बताइए, 10 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया और 10 लोगों को ऑड एंड इवन का प्रोग्राम मैंने लिखने के लिए बोला, 10 लोग प्रोग्राम लिख पाएंगे, राइट? लिख पाएंगे कि नहीं? फिर आप में और 10 लोगों में क्या ही डिफरेंस हो गया? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इन फैक्टर क्या है फिर? सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। लूप यूज करो, लैम्डा फंक्शन लिखो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करो, हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करो, इससे आगे जाके वो कंफ्यूज हो जाए, भाई ये थोड़ा लगता है अभी इसका ही हैज समथिंग सम नॉलेज, देन आपका इंटरव्यू शुरू होगा वहां से, एंड देन ही विल बी कंफर्टेबल आस्किंग यू क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग, फिर बाकी के आपको सवाल पूछेगा, राइट? सो इंटरव्यू में गए, सो बेसिक वो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर याद रखिए, बेसिक है, इंटरव्यूअर ने 10 क्वेश्चन पूछा तो 7 आपको आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, दिस इज व्हाट इट इज। और इंटरव्यू ने एक पूछा आपको भगा दिया, आपने कही तो कितना भी आप सही बोलो आपने गड़बड़ किया है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो आपने बताया ही नहीं, और उसको चाहिए एडवांस लेवल, आपने इतना बेसिक बताया कि आपको उसको मतलब आइडिया ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है। ऑड एंड इवन्स प्रोग्राम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके लिखा भी जा सकता है, ये पता ही नहीं आपको, ऐसे उसको लगेगा ना। आपने डायरेक्टली सिंपल प्रोग्राम लिखा तो आगे वाले को क्या लगेगा, भाई इसको तो कुछ पता ही नहीं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फंक्शन लिखना नहीं, तो एटलीस्ट पूछिए तो सर कहना है राइट यूजिंग सिंपल और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, एटलीस्ट इतना तो करिए, फिर दिखाइए कि आपको कुछ पता है, आपने लिखना नहीं है तो, राइट? एटलीस्ट वो तो करिए फिर। बट पूछने के बाद आना भी चाहिए, उसने बोला लिखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, आपने गलत लिखा तो इट्स बैड इंप्रेशन है ना, ठीक है? सो अंडरस्टैंड, ये पैटर्न होना चाहिए। और आप उसने 10 क्वेश्चन पूछा, आपको 10 आया तो भी आप सिलेक्टेड नहीं हो, दैट्स फॉर श्योर। यस गलत ही है, क्योंकि व्हाई समबडी वांट, अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अभी मैं तुम्हें लूंगा, तुम कंपनी में आगे जाके बड़े बनोगे और मुझे निकल दोगे, दैट डजंट मेक सेंस ना। बट ये भी है ना सर, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपके रिस्पॉन्स पे है ना, कम्युनिकेशन है, इंटरव्यूअर है, मतलब यू नीड टू मैनेज योर इंटरव्यू, आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करना है। आप आके यहाँ पे ऐसे, हाँ बताए सर,
ऐसे करोगे और यू डोंट फील दैट एनर्जी, रिस्पॉन्स नहीं दोगे अच्छे से, कुछ भी बात करोगे, कुछ भी बकवास बात करोगे, तो वो क्यों इंटरटेन करेगा? वो 10 क्वेश्चन की जगह दो ही पूछेगा और भगा देगा आपको, क्योंकि उसको और अलग क्वेश्चंस भी लेने हैं ना। सो इट्स ऑन यू कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो, उस दिन क्या किया था, कैसे आप आगे बढ़ा, मतलब हाउ यू टेक द इंटरव्यू। आपका पैटर्न इतना ही होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 10, मतलब वो 10 पूछेगा, उसने 5 पूछा है तो 3 आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। दिस इज व्हाट द पैटर्न इज। इस पैटर्न में आप फिट हो रहे हो तो देयर इज हाई चांस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। उसने 5 पूछे, आपको 5 आए, मे नॉट बी, ऐसा नहीं कि इट्स 100% गारंटेड, बट जनरली फील ऑफेंडेड, मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा मेरे से होशियार, दैट्स ईगो क्लैशेस वगैरह होते हैं, सो देयर इज क्वाइट चांस कि आपका नहीं हो। और ऐसा नहीं कि उसने एक ही क्वेश्चन पूछा और भगा दिया है, सो दैट इज अगेन रॉन्ग। सो मेक श्योर, आपको फिर आप डिसाइड करो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, रेगुलर फंक्शन प्रैक्टिस करना है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करना है कि वही घिसा पिटा कोड लिखना है, इनपुट एक नंबर लिया, फॉर लूप लगाया और फिर आउटपुट, है ना? ओके, सो नेक्स्ट इज सी व्हाट आई हैव डन इज हियर, जहां पे ये मैंने 3 लाइन में लिखा था। ओके, ऑल द 3 लाइन ऑफ कोड आई कैन राइट इट इन 1 लाइन अगेन। ये देखिए यहाँ पे स्टिल आई एम राइटिंग इन 2 लाइन, लेट्स मेक इट 1 लाइन आल्सो। फॉर नंबर इन, जो भी रेंज लिया था ना मैंने यहाँ पे, ये देखिए रेंज, आई कैन डायरेक्टली पुट इन टू अ रेंज, इन रेंज, क्योंकि लूप में तो रेंज चलता है ना। फॉर नंबर इन रेंज इतना, इफ कंडीशन, और फिर आगे लॉजिक जो भी कंडीशनल है, और इसका आउटपुट यहाँ पे आया नंबर, और दिस आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू अ लिस्ट, दैट्स व्हाई दिस इज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये देखिए यहाँ पे, बाय द वे टपल कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, कैसे? ये लिस्ट की जगह टपल कर दीजिए यहाँ पे। टपल कैसे करते हैं? पैरेंथेसिस लगाइए, स्क्वायर हटाइए, पैरेंथेसिस लगाइए, दिस बिकम्स माय टपल कॉम्प्रिहेंशन। लॉजिक सेम है, एवरीथिंग वर्क सेम। ओके, अरे कुछ गलत आ गया। हिस्ट्री बाय द वे, व्हाट इज दिस, हिस्ट्री व्हाट इज दिस? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द आउटपुट एंड व्हाई दिस आउटपुट इज कमिंग। ओके, व्हेनेवर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हो और हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करते हो, व्हाई आई कॉल इट एज अ एडवांस, ओके, क्योंकि इसका आउटपुट डायरेक्टली आपको नहीं मिलता, इसका आउटपुट मिलता है एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ वेरिएबल आपको मिलता है। सो हमने जो भी ये कॉम्प्रिहेंशन लिखे थे, सो लेट्स, ओके लेट्स रन दिस कॉपी, लेट मी रन दिस, यहाँ पे रन करता हूँ और देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। ओके जस्ट अ सेकेंड, मेक इट अ लिस्ट और समथिंग, इनवैलिड नंबर्स, नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, कॉपी। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आता है देख रहे हो आप? जो भी मैं कॉम्प्रिहेंशन करता हूँ, इसका आउटपुट हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, जनरेटर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है एट, सो दिस इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन, मतलब मेमोरी लोकेशन। मैं आपको याद है एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे यहाँ नंबर, फिर मैं नीचे लिखता था 0 1 2 XXX। सो ये नंबर क्या है? मतलब आपका घर का लोकेशन, और सर्वे नंबर रहता है ना आपके घर को, जो भी फिक्स रहता है हमेशा, दे विल नॉट, इट विल नॉट चेंज, सो दिस इज नथिंग बट दिस नंबर। तो ये मेमोरी का नंबर है, ऐसे लिखता है, दिस इज नथिंग बट एक्चुअल, ऐसे दिखता है ये आपके कंप्यूटर के इस मेमोरी लोकेशन पे, वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है। ओके, सो दिस इज हाउ इट क्रिएटेड इन द मेमोरी, और ये ऑब्जेक्ट को, और ये इटरेटर, ये ऑब्जेक्ट को आपको एक डेटा टाइप में डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद एक डेटा टाइप है और इट हैज इट्स ओन इंटरनल मेमोरी, जो भी डायरेक्टली आउटपुट में नहीं आता।
तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको एक कई लिस्ट में कन्वर्ट, मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। दिस इज नथिंग बट इटरेटर बोलते हैं, और मोस्टली इसको ऑब्जेक्ट टाइप बोलते हैं। एंड इसको ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड टू यूज अ लिस्ट। देखिए यहाँ पे लिस्ट में लिख देता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट अभी डिफाइन है, लेट्स टेक इट इनटू अ वेरिएबल माय ऑब्जेक्ट। दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ना, अभी ये माय ऑब्जेक्ट प्रिंट करो, आपको क्या आता है देखो, प्रिंट, ये देखिए आ गया ऑपरेटर और जनरेटर, राइट। और इसी जनरेटर को इफ आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनी लिस्ट, नहीं तो टपल में आई कैन कन्वर्ट, सो यूज अ लिस्ट। लिस्ट नाम का मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज करता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने यूज किया लिस्ट नाम का इनबिल्ट फंक्शन, और फिर उसको प्रिंट कर देता हूँ। देखिए उसका ही आउटपुट आ गया, क्योंकि मेमोरी लोकेशन में ये क्या हुआ था, एक कुछ ऐसा रैंडम एक्स वाई जी नाम के सेव हुआ था, और इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करके इसका आउटपुट ये लिखे। तो मैंने अभी जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था, बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन और हायर ऑर्डर फंक्शन, इफिशियंट मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो क्यों इफिशियंट होता है, समझ में आया अभी क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये सारा आंसर एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है, मतलब अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने के बजाय पूरा आउटपुट एक मेमोरी लोकेशन में, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है सिर्फ। तो अभी आपका मेमोरी बचेगा ना, क्योंकि आपको इतना सेव करना है, इतना स्टोर करना है कहीं, तो दैट टेक्स लॉट ऑफ मेमोरी। सो इंस्टेड ऑफ दिस आप कॉम्प्रेस करके इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर और एज अ ऑब्जेक्ट में आप स्टोर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, हायर ऑर्डर फंक्शन, हम आगे हायर ऑर्डर फंक्शन सीखेंगे, उसमें ये सेम टॉपिक वहां पे आएगा, क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन का आउटपुट ऑब्जेक्ट में आता है, सेम आएगा, सेम आउटपुट आएगा, कुछ रैंडम नंबर लिख के आएगा वहां पे हर बार, है ना? क्लियर सबको क्या है क्या नहीं है, एंड उस ऑब्जेक्ट को कैसे, दिस इज नथिंग बट अ जनरेटर, तो इसे ऑब्जेक्ट को आपको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये देयर इज वन मोर न्यू फंक्शन कॉल्ड ऑड एंड इवन। ऑड एंड इवन के लिए और एक वेरिएशन आप लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये देखिए दिस इज नथिंग बट अ जनरेटर, जनरेटर का ऑब्जेक्ट ये देखिए एड्रेस, अलग अलग एड्रेस डिफाइन होता है, एंड दैट अलग अलग एड्रेस आई कैन कंबाइन यहाँ पे। बाय द वे यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इट हियर, कैन एनीबडी क्विकली टेल मी, फॉर कैरेक्टर वन इन लाइफ, मतलब कैरेक्टर वन क्या है मेरा, टेम्पररी वेरिएबल, राइट? ये कैरेक्टर वन है, और कैरेक्टर वन इन लाइफ मतलब क्या होगा, अभी कैरेक्टर वन में क्या स्टोर होगा, कोई बता सकता है? लाइफ स्टोर, लाइफ स्टोर होगा या और कुछ स्टोर होगा? लाइफ स्टोर अभी कैरेक्टर वन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो इधर अभी इसमें क्या लिखूँ बताइए, बॉक्स में इधर क्या आना चाहिए? लाइफ आना चाहिए कि एल आना चाहिए? देखो ये एल कलेक्शन है ना, एल एल कलेक्शन है ना, बाय द वे लूप समझ में आ रहा है? पूरा लाइफ एक ही टाइम पे लेगा तो लूप क्या करेगा फिर, फॉर लूप क्यों लगाया, लूप है ना वो, और ये कलेक्शन है। ये देखिए एल ऐसे पॉइंटर आगे बढ़ते जाएगा ना, इटरेटर इटरेटर बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एल, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, अभी इसके बारे में बताइए, चलिए अभी इसके बारे में बताइए, ऐसा आएगा अभी। फिर मैं नेस्टेड लूप यूज कर रहा हूँ, है ना, लूप के अंदर लूप, और आउटपुट में क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे, कैरेक्टर वन प्लस, तो इसका आउटपुट देख सकते हो क्या आप? देखिए एल एस, फिर एल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि नेस्टेड है, जब तक ये इटरेट नहीं होगा तब तक ये लूप बाहर नहीं आएगा ना, तो इसलिए एल और टी आ रहा है,
टी कहाँ का, यहाँ का आ रहा है टी और यहाँ का एल है, राइट। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, देखिए एल एन डी और एल एन वाई, स्टडी का वाई है यहाँ का। एक बार ये लूप खत्म हो गया फिर उसके बाद इटरेटर इधर आएगा, इसमें क्या आएगा अभी सेकेंड टाइम में आई आ जाएगा, तो आई, और इधर से फिर वापस एस टी, ये देखिए आई टी आई यू आई डी आई वाई आई एस है ना। अभी चलिए एफ, तो एफ के भी कॉम्बिनेशन उतने, ये देखिए एस टी यू देख सकते हैं क्या, एस टी यू डी वाई स्टडी, और ई का भी कॉम्बिनेशन। राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेस्टेड लूप भी आप यूज कर सकते हो विद इन वन लाइन। इतना कोड लिखने के लिए व्हाट आई हैव टू राइट, चलो इधर बताइए अभी क्विकली, लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखना है? पहले तो दो वेरिएबल चाहिए यस आपको, सर, है ना, वेरिएबल और स्ट्रिंग str1 में लाइफ चाहिए आपको, है ना, और str2 में क्या चाहिए आपको, स्टडी। फिर उसके बाद फॉर फॉर str1 क्यार इन str क्यार वन इन str1 str1, फिर इंडेंटेशन कोलन, इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट बोलिए, अभी प्रिंट नो सर, फॉर दूसरा लूप है ना। कैरेक्टर हाँ फॉर टू कैन इन डू एस इन टी आर टू एस टी आर कॉलन टू वापस कोलन, हाँ यहाँ पे प्रिंट प्रिंट क्या एस टी आर आएगा, वन प्लस एस टी आर टू कैर सॉरी एस टी आर सॉरी नहीं, यहाँ कैर, कैर सॉरी कैर वन प्लस फोर कैर वन प्लस कैर टू आएगा, राइट। इंटर आप फिर ये रन करोगे आप, है ना। अरे क्या है क्विकली, इनवैलिड हाँ मतलब उतना सिंटैक्स तो मैं भी समझ में आया, इनवैलिड सिंटैक्स देखो सर, वो आपने str2 चिपका के लिखे आपने ऊपर स्पेस स्पेस दिया जो आपने स्ट्रिंग को, ये देखिए जूम करके देख सकते हो आप, वेरिएबल के रूल्स, पहले दिन पहला दूसरा तीसरा जो भी होगा वो, स्पेस क्लियर। नंबर वेरिएबल में स्पेस नहीं रहता कभी भी, सो इंटर देन रन आ गया एल एस टी यू डी वाई, है ना। ये देखिए ई के चार कॉम्बिनेशन, एस टी यू डी वाई और आई के चार कॉम्बिनेशन जो भी है एल के। बाय द वे मुझे सेम आउटपुट चाहिए, चलिए बताइए क्या करना है, सेम एग्जैक्ट मैच होना सर, चाहिए। आप कॉमा लगाइए, एंड लगा दीजिए लास्ट में, कहाँ इधर पे, कॉमा यहाँ लगाइए, यस सर, पे, कॉमा हाँ एंड हाँ इक्वल्स हाँ टू कॉलन कॉलन हाँ नहीं सॉरी कोलन, सर, ये हाँ यस मारिए सर, हाँ स्पेस दे दीजिए थोड़ी सर ठीक है। इसके बीच। बाय द वे दिस इज वन मोर वेरिएशन है, प्रिंट स्टेटमेंट, जिसने भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है प्रिंट का ही विल अंडरस्टैंड। अभी भी नहीं आया आउटपुट, कहाँ है ये पैरेंथेसिस नहीं दिख रहे ना मुझे, अरे सर आप लिस्ट पास और ये भी करिए, नहीं दिख रहा है, ओके सर लिस्ट पास करिए, लिस्ट पास ये करिए इसमें, आगे कोलन भी पास नहीं हो रहा है, लिस्ट पास कर दीजिए कहाँ पास करूं बताइए, कोड बताइए। सर, आगे लिस्ट लाइफ लिखा आपने एस टी आर वन उसी पे लिस्ट पास कर किधर दीजिए ऊपर, जो आपने एस टी आर वन जो आपने वो सबसे ऊपर, किधर, इससे भी ऊपर जो आपने वेरिएबल करें उसकी, इधर लाइफ से अरे पहले लिस्ट। दिस इज द होमवर्क, आई डोंट, हाँ चलिए और सर नीचे वाले में सर, इधर भी, उससे क्या होगा लॉजिकली सोच के आप बता सकते हैं। लिस्ट बन जाएगा इसका, बाय द वे ये फॉर लूप क्या करता है, आपको क्या लगता है, फॉर लूप इंटरनली उसको लिस्ट ही कन्वर्ट करता है ना, अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करता है, इटरेटर में अलग अलग लेने के लिए वो लिस्ट ही कन्वर्ट करता है। इटरेटर आगे कैसे बढ़ेगा, मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे मार्क करके, मतलब एस पे जाएगा टी पे जाएगा, ये
कैसे जाएगा, मतलब इसको कहीं पे ऐसे लिखा होना चाहिए ना, तभी ना तो ये सिलेक्ट होगा ऐसे। ऐसे थोड़ी एरो ड्रॉप करने से सिलेक्ट होगा। बाय द वे ठीक है, यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क और आप प्रिंट कर सकते हो। ट्राई टू एग्जैक्टली कैसे प्रिंट हुआ है ना वैसे मैच कर सकते हो, गो एज क्लोज एज पॉसिबल। चलो ये होमवर्क है। सो अगेन और एक कॉम्बिनेशन है, ये देखिए यहाँ पे, जैसे हमने फॉर लूप देखा ना, फिर नेस्टेड फॉर लूप देखा, अभी इफ एल्स भी कर सकते हैं इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। ये देखिए यहाँ पे दिस इज वन मोर मेथड, और मतलब यहाँ पे देख सकते हो इफ एक्स नाम का क्या है, टेम्पररी वेरिएबल है, परसेंट टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऑड है या इवन है मैं चेक कर रहा हूँ। अभी ये ट्रू आया, इफ दिस इज ट्रू आउटपुट में क्या दे दो एक्स, और ये फॉल्स आया एल्स, एल्स में क्या लिखना है ऑड नंबर, और फिर उसके आगे लूप है यहाँ। ओके समझ नहीं आया मतलब इसमें। ये लूप यहाँ पे लिखा है और ये लूप के ऊपर ये लॉजिक हो जाएगा, ये कैलकुलेशन हो जाएगा और इस कैलकुलेशन का आउटपुट यहाँ पे आएगा। ओके सर इसमें मतलब फॉर एक्स एंड नंबर सबसे पहले रन करेगा राइट। हाँ, तो इसका मतलब क्या है ये देख, नीचे देख सकते हो, जहां पे इवन नंबर आ रहा है इवन, वहां पे आपको नंबर आउटपुट एक्स आएगा, और जहां पे ऑड नंबर है वहां पे आउटपुट ऑड आएगा एज अ ऑड नंबर, कि एल्स में क्या लिखा है हमने ऑड नंबर्स लिखा है, राइट। क्लियर। यस सर। यस सर इसमें सर। मतलब पहले फॉर इसमें एक्स मतलब नंबर्स पहले पहले रन फॉर करेगा, एक्स उसके बाद सीधे एक्स की वैल्यू हाँ, आएगी, बाद सीधे एक्स फिर की उसके वैल्यू हिसाब आएगी, से इफ हाँ एक्स उसके हिसाब अगर से फिर एक्स रिमाइंडर्स का जीरो होगा अगर तब वैल्यू जीरो होगा तो तब सर प्रिंट प्रिंट हो हो जाएगा, जाएगा, इसमें हाँ है हाँ ही नहीं सर, कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, फिर एल्स में सर सीधे सीधे ऑड नंबर फिर प्रिंट हो एल्स जाएगा। में सीधे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। हाँ क्लियर सबको, अभी होमवर्क क्लियर सबका। सो दिस इज हाउ, अभी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपने सीखा, इसमें सारे वेरिएशंस कवर हो गए विदाउट, मतलब आपको फॉर लूप इफ कंडीशन यूज कर सकते हो, इफ एल्स कर सकते हो, फॉर कर सकते हो, फॉर नेस्टेड फॉर भी कर सकते हो, है ना, नेस्टेड लूप्स बोलते हैं उसको। सो मोस्टली आप जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे एज अ बेसिक, सारे प्रोग्राम कैन बी रिटन इन द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो आपको प्रैक्टिस करना है तो दोनों का प्रैक्टिस कर सकते हो साइमल्टेनियसली। और कल हमने एक वन मोर दिस थिंग वी लर्न, सो आई वॉन्ट ऑल द आंसर्स, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट, डिस डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड रिमूव, एंड डिस डिफरेंस बिटवीन डीप कॉपी शैलो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी। ओके सर एक बार फिर से सारा होमवर्क बता एक बार फिर दीजिए। से सारा होमवर्क बता दीजिए। होमवर्क ऊपर वाला लिस्ट, इससे लिस्ट में लिखना है। ओके फिर उसके बाद ये तीनों का आंसर प्रिपेयर करना है, थ्योरी आंसर फॉर इंटरव्यू। ओके आज के तो इतना ही सीखा हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सो दैट्स ओके। आई नो थोड़ा ये एडवांस टॉपिक था तो दैट्स व्हाई वी टुक लॉट ऑफ टाइम, होप आपको समझ में आया, क्योंकि इससे स्लो हम नहीं जा सकते, मतलब एक दिन में सिर्फ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन 4 दिन में भी सिखा दो तो दैट विल बी डिफिकल्ट, राइट। That's why आपको basics clear चाहिए। basic मतलब for loop, nested for loop, if else condition, है ना? What is written? Yes. सर अभी कितना परसेंट सो सिलेबस बचा है अभी। परसेंट
ऑलमोस्ट यहाँ से आगे अभी थोड़ा थोड़ा फास्ट होते जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। यहाँ पे सिर्फ अभी यहाँ से आगे डेटा टाइप देखेंगे आप, ये देखिए टपल सेट, टपल सेट विल बी सेम। टपल में तो जो लिस्ट में किया है स्क्वायर की जगह पैरेंथेसिस डालो सब कुछ वर्क हो जाएगा। ओनली थिंग इज इट इज इम्यूटेबल, वो मुझे एक्सप्लेन करना है आप टपल में। ओके सो दैट इज नॉट अ बिग डील। सेट में भी सेम होता है, नथिंग चेंजेस, ओनली पैरेंथेसिस आपको करली ब्रैकेट डालना है। फिर आता है डिक्शनरी। ओके डिक्शनरी टेक्स टाइम, मतलब एक दो लेक्चर लेगा ये, और इसमें भी फंक्शंस हैं। देन हायर ऑर्डर एक एक दिन डिपेंड करता है, मतलब आप इफ यू आर कोऑपरेटिव और आपको समझ में आ रहा है फास्ट देन वी कैन स्किप फास्ट कर सकते हैं 2 दिन में, 2 4 दिन का। और 4 to 5 लेक्चर आप बोल सकते हो कि पाइथन बेसिक्स पे हो जाएगा, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग पे, जो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग है 5 4 5 लेक्चर। और उसके बाद 10 12 डेज आपको ये मतलब वी विल कवर डिक्शन लाइब्रेरीज और पैकेजेस। पैकेज में तो नथिंग, मतलब आपने अभी तक जो जो कोड लिखा है सबका वहां पे इनबिल्ट फंक्शन है। पीपल हैव क्रिएटेड ऑल इनबिल्ट फंक्शन इन द पैकेज। आपको जो काम करना है वो पैकेज उठाओ, वो इनबिल्ट फंक्शन करो, क्रिएट लगाओ। जैसे कि एक होमवर्क दिया था आपको कल, जो किसी ने याद नहीं दिलाया और किसी ने किया भी नहीं है, डुप्लीकेट रिमूव करना। तो वहां पे एक लाइन, एक फंक्शन है कॉल्ड ड्रॉप डुप्लीकेट, उस फंक्शन को कॉल करो, डायरेक्टली डुप्लीकेट ड्रॉप हो जाएंगे, खत्म। और उसमें सिखाने के लिए फिर इतना कुछ नहीं बचेगा, है ना। बट ये बेसिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइब्रेरीज में इतने सारे फंक्शंस है, एक तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो, अभी से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना शुरू करो। तो कोई भी लाइब्रेरी हम सीखेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ोगे तो आपको क्विकली समझ में आएगा कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। वहां इंटेलिजेंस नहीं है आपका, वहां पे सब कोड बना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, वहां सिर्फ फंक्शन कॉल करना है बस। बट कौन सा फंक्शन रेडी है कौन सा नहीं है ये समझ में आने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट में पास कर सकता हूँ, कौन कौन से कंपलसरी है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे, सो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। बट क्या है ना, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए उसके लिए, सर कौन कौन सी क्योंकि वो कैसा कैटेगरीज? है ना, आपको गाड़ी चलाने के लिए पहले आना पड़ेगा ना, गियर एक्सेलरेट क्या है, ब्रेक क्या है। डायरेक्टली जाके आपको मान लीजिए फ्लाइट दे दिया और एरोप्लेन में बिठा दिया और बोला कि चलाओ भाई इसको, अभी नॉट पॉसिबल ना। सो दैट्स हाउ इट इज, है ना। और उस टाइम पे यू शुड एक्चुअली, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है ना कि आप ड्रॉप डुप्लीकेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड में हो क्या रहा है, कौन से डुप्लीकेट ये रिमूव कर रहा है, सारे मैच हो रहे वो रिमूव कर रहा है या 3 कॉलम मैच हो रहे वो रिमूव कर रहा है। और आपको ऐसा कंडीशन दे दिया 5 कॉलम है उसमें से 3 कॉलम जहां भी रिपीट हो रहे उतना डिलीट करना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे फिर? क्या मैं ड्रॉप डिलीट यूज कर सकता हूँ? क्या मुझे ऐसा अलग लॉजिक लिखना पड़ेगा? और अलग लॉजिक लिखना है तो वो मुझे आता है क्या? यहाँ से स्टार्ट फिर, है ना। सो दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, सो यू शुड बी रेडी। सर क्लियर? हम लोग कौन सी लाइब्रेरीज कवर करेंगे सर, इसमें कौन कौन सी? नंपाय, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब, और फिर वेब स्क्रैपिंग के लिए ब्यूटीफुल सूप, ओके सर। सीबॉर्न जो विजुअलाइजेशन के लिए है। तो इसीलिए फोकस कीजिए बेसिक क्लियर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके दैट इज जस्ट एप्लीकेशन, इसका सब कुछ अप्लाई करना है वहां पे जो भी आपने यहाँ पे सीखा है ना। क्लियर सबको? यस सर। सर 9:15 पे आज आप ही सर एसक्यूएल की क्लास लेने वाले हैं।
नहीं, वो अलग टीचर है। ओके हाँ मैडम। क्या आज से स्टार्ट हो रहा है स्कूल? हाँ आज से एसक्यूएल स्टार्ट हो रहा है, बट आपका बैच का नहीं है ना वो? ओके सॉरी बाय द वे, फॉर इट इज नॉट फॉर योर बैच, ओके आपके बैच का एसक्यूएल हुआ है नहीं ऑलरेडी, सर, मैं राइट? आई एम अ न्यू हाँ, पर्सन, मेरा नहीं हुआ। और जिस जो लोगों का मिस हुआ है ना वो लोगों के लिए ओके ऑनलाइन ऑनलाइन, दिस इज ऑनलाइन ओनली। सर, ये आज का गूगल ड्राइव में नहीं है इसका नंबर? सेम एक ही फाइल है वहां पे, मतलब नहीं सर, हाँ जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टॉप।